कांग्रेस पार्टी ने आखिरकार लंबे अंतराल के बाद अपने प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा कर दी। इसके तहत 19 उपाध्यक्ष, 19 महासचिव, 11 सचिव, 12 प्रवक्ता और 44 कार्यकारिणी सदस्य नियुक्त किए गए हैं, जो राठौर के साथ मिलकर कांग्रेस को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन प्रदेश कार्यकारिणी में अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों की अनदेखी होने पर ये पर्ग उखड़ गया है। दलित समुदाय के नेता चमन राही ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि अनुसूचित जाति वर्ग और इस वर्ग के उपजातियों की अनदेखी किसी भी सूरत में सहन नहीं होगी। कांग्रेस पार्टी ने आखिरकार लंबे अंतराल के बाद अपने प्रदेश कार्यकारिणी घोषित कर दी। इसके तहत 19 उपाध्यक्ष, 19 महासचिव, 11 सचिव, 12 प्रवक्ता और 44 कार्यकारिणी सदस्य नियुक्त किए गए हैं, जो राठौर के साथ मिलकर कांग्रेस को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन प्रदेश कार्यकारिणी में अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों की अनदेखी होने पर ये पर्ग उखड़ गया है। दलित समुदाय के नेता चमन राही ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि अनुसूचित जाति वर्ग और इस वर्ग के उपजातियों की अनदेखी किसी भी सूरत में सहन नहीं होगी और इस संदर्भ में प्रदेश और केंद्र के नेतृत्व से आग्रह किया जाएगा कि प्रदेश कार्यकारिणी में इस वर्ग के लोगों को भी स्थान दिया जाए, अन्यथा मजबूरन होकर ये वर्ग अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी गरीबों की पार्टी है और इससे ग्रास रूट लेवल से लोग जुड़े हुए हैं, जो कि पार्टी को संजोने में बचपन से लगे हुए हैं। लेकिन इस तरह से अनदेखी करने से ना तो पार्टी का लाभ होगा और ना ही संगठन मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि इतना ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और पूर्व मंत्रियों तक को प्रदेश कार्यकारिणी में तवज्जो नहीं दी गई है, जिसे सीधे तौर पर ऐसे नेताओं की अनदेखी की गई है जिसे ये वर्ग किसी भी सूरत में सहन नहीं करेगा। पार्टी गरीबों की पार्टी है, दलितों की पार्टी है, मजदूरों की पार्टी है, अल्पसंख्यकों की पार्टी है, मुस्लिमों की पार्टी है, ईसाइयों की पार्टी है और विशेष रूप पे जो अनुसूचित जाति में अलग अलग बिरादरी उन सब की पार्टी है। लेकिन आज हमें इस चीज़ का बड़ा दुख हो रहा है, जो प्रदेश की जो कार्यकारिणी का गठन हुआ, जो पैमाना है भारतीय संविधान के मुताबिक, जो हमारा जो कांग्रेस पार्टी का संविधान है उसके मुताबिक वहाँ पे हर वर्ग के लिए व्यवस्था है, चाहे जिला में, चाहे प्रदेश में, चाहे केंद्र में। लेकिन जो हिमाचल में जो कार्यकारिणी बनी उसमें इन लोगों की अनदेखी हुई है और उस अनदेखी को लेके आज हमने हमारे जो अलग अलग समुदाय के लोग, बिरादरी के लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे और हमने श्रीमती सोनिया गांधी माननीय जो अध्यक्षा हैं कांग्रेस पार्टी की, वहाँ हमने पत्र भी भेजा है। हमने मांग की है जो कांग्रेस पार्टी का जो संविधान है उसके मुताबिक इन बिरादरियों को भी स्टेट राज्य जो पेरेंट्स बॉडी है उसमें सम्मिलित किया जाए। और बड़ा दुख हुआ, ज्योतिराज सिंधिया जी को देख लो, राजे महाराजे घराने थे, उनका पूरा खानदान आरएसएस से संबंधित था। वो आते हैं जाते हैं लेकिन इन वर्गों के जो हमारे वर्गों के जो लोग हैं ऐसा नहीं करते, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी को अपनी मांग समझते हैं। तो आज उस नज़रिए से हमने प्रेस के माध्यम से भी इस चीज़ को उजागर कर रहे हैं। मंडी में भी हमें इस चीज़ का बहुत दुख है, जो हम सुंदरनगर में आज बैठे थे, यहाँ हमने आपातकालीन बैठक की